Hey guys, welcome back. So, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग हेयर स्टाइल जिसे मैंने जस्ट सीखा है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसे मैंने सीखा मेरी मम्मी से. ये बहुत ही अमेजिंग है, लिटरली बहुत ही अमेजिंग है. अगर आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हैं तो आप जस्ट इस चोटी को बना लो एंड आपके बाल इंस्टेंटली बहुत ही फुलर एंड बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं एंड इसे बनाने में हार्डली 2 मिनट्स लगते हैं. तो चलो फटाफट पहले आप देख लो कि उस चोटी को बनाना कैसे है एंड देन मैं आपसे बात करती हूँ. सो इस हेयर स्टाइल को बनाने के लिए सबसे पहले तो आप अपने बालों को अच्छे से सुलझा लें एंड देन आपको इसे 4 भागों में इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर देना है. एंड आप देख सकते हो मैंने एक पार्ट जो वो साइड में छोड़ दिया है एंड मैं बाकी 3 हिस्सों का एक नॉर्मल चोटी बना रही हूँ. जैसे सिंपली हम 3 स्ट्रैंड ब्रेड बनाते हैं एग्जैक्टली आपको वैसे ही बनाना है. एंड पहली बार जब हम ऐसे गूंथ लेते हैं इसको, जैसा आप देख सकते हो मैं कर रही हूँ, एग्जैक्टली आपको वैसे ही करना है. उसके बाद हमने जो साइड में जो बाल छोड़ा हुआ था, जो पार्ट छोड़ा हुआ था, उसे हमें ऐड करना है. बट आपको नीचे से ऐड करना है, इस बात का ख्याल रखो. ऊपर से ऐड करोगे तो चोटी उतनी फ्रेश नहीं बनेगी. सो आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने इसे कुछ नीचे से ऐड किया है. एंड इस टाइम पे आप थोड़े से संभाल के पकड़ना बालों को, दैट्स इट. एंड ये बहुत ईजी है, ट्रस्ट में. मैं इसे बस दूसरी बार बना रही हूँ एंड आप देख सकते हो कितनी अच्छी चोटी बन रही है मेरी. एंड ये बहुत ही अच्छा लगता है स्पेशली थिन हेयर के लिए. इंस्टेंटली आपके बालों को फुलर लुक देता है. तो बस सिंपली आपको इसी स्टेप को फॉलो करते हुए बाकी नीचे तक चोटियों को बना लेना है. देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ये बन के. एंड बहुत ही ईजी है. इट इज़ जस्ट, देखने में ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल लगता है बट बहुत ईजी है. ट्रस्ट में अगर मैं कर सकती हूँ तो आप तो ईजिली कर सकते हो. सो बस देखते ही देखते देख सकते हो हमारी चोटी जो है वो बन के रेडी है. तो मैं यहाँ पे ब्लैक इलास्टिक से इसे टाई कर दूंगी एंड आपकी बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी 4 स्ट्रैंड ब्रेड जो है वो बन के रेडी है. तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि जस्ट मुझे चोटी बनानी थी एंड अभी रात का टाइम था. तो आप देख सकते हो परछाई भी आपको मेरी दिख रही होगी. सो इस तरीके से आपकी चोटी जो है वो कुछ बन के आती है एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. एंड आप प्लीज़ ट्राई करना, बहुत ईजी है ये. क्योंकि आपको ड्राई हेयर की प्रॉब्लम हो जाती है एंड बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी हो जाते हैं तो आप चाह के भी नहीं कर सकते. कहीं ना कहीं एक सच्चाई तो ये है, दूसरी ये है कि अगर आप करोगे तो आपके बाल खराब हो जाएंगे. तो आपको अपने बालों को बांध के रखना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम इन विंटर. तो इस विंटर आप अपने बालों को स्टाइल करिए कुछ बहुत ही नए ट्रेंडी हेयर स्टाइल्स के साथ जिन्हें मैं शेयर करने वाली हूँ अपने चैनल पे. तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अभी मैं बहुत सारे और भी बहुत अमेजिंग अमेजिंग हेयर स्टाइल स्पेशली ब्रेड्स लाने वाली हूँ विंटर्स के लिए. क्योंकि इस विंटर्स में हम हेयर स्टाइल बनाने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग एंड बहुत ही क्विक एंड ईजी वाले. दैट्स इट. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये हेयर स्टाइल अच्छी लगी होगी एंड आप इसको डेफिनेटली ट्राई करोगे. तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर दो. तो बस मिलती हूँ मैं आपसे कल अपने एक नए वीडियो के साथ. Until then, bye-bye and take care. Thank you so much for watching.